Very good evening to all my dear students. Now it's very clear from the NTA site that NTA is not going to take the test, that NEET 2021 once again. As already I have mentioned that change ho bhi hoga, NTA apna clarification de dega, and NTA said ki bhai during the examination time paper to leak hua hai definitely, but wo viral nahi ho sakta. So एकदम विनीत जोशी जी की तरफ से एकदम क्लियर कट मैसेज है दैट दे आर नॉट गोइंग टू मीन्स एनटीए इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन नीट एग्जामिनेशन वंस अगेन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि 600 के नीचे जाना था कट ऑफ, लेकिन अब एज सच बट डेफिनेटली विनीत जोशी ने ये भी कहा कि उनको पनिश करेंगे जिन लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनको पनिश करेंगे. तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत कट ऑफ जाएगी, मतलब 610 615 मार्क्स. तो आपके मार्क्स अगर 560 से कम आ रहे हैं, मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जगह की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपको 560 पे भी डेफिनेटली यू विल गेट द गवर्नमेंट कॉलेज, बट इफ़ यू आर गेटिंग जनरल कैटेगरी हैं आप और आपके 550-560 से कम हैं तो कोई चांस नहीं है इस बार गवर्नमेंट सीट का. ये कट ऑफ कौन सी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सीट की. वैसे तो कट ऑफ आपके 250 मार्क्स पे भी यू विल गेट दैट यू गॉट सेलेक्टेड फॉर द नीट. आप प्राइवेट में कहीं पे भी जाके एडमिशन ले सकते हैं. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू बच्चा लोग, कि अगर आप गवर्नमेंट सीट के सपने देख रहे हैं, गवर्नमेंट सीट आपको चाहिए और आपके मार्क्स 550 से कम है जनरल कैटेगरी में और OBC में 100 मार्क्स रख लीजिए, डिफरेंस 450, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट सीट. सो आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल सपने मत देखिए कि कोई चमत्कार होगा, कुछ नहीं होगा, एग्जामिनेशन दोबारा नहीं हो सकता है. तो डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग यू बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी जगह, मेरा इसमें कोई भी जनरली बच्चे को कहो कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वंस अगेन तो बच्चा सोचता है कि इन्होंने एडमिशन लेना है. मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ. आपने जो भी करना है, आपके जो भी मंजिल हो, आपने जो भी करना है उसमें आप स्टार्ट कर दिए. रिजल्ट का वेट मत करिए. आपने आंसर की से मैच कर लिया होगा, जल्दी एनटीए भी अपनी आंसर की दे देगा, लेकिन डेफिनेटली कितना 5-10 मार्क्स का एक दो क्वेश्चन में जहाँ पे डाउट होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे. बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है. अगर आपको कुछ करना है, हासिल करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. मैं जान रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान है, बट जिस पे गुजरती है वो जानता है कि स्टार्ट दोबारा से जो आपने रातों को जाग के डेफिनेटली यू हैव गिवन टू मच व्हाट टू से टाइम टूवर्ड्स योर स्टडीज, और 40-50 मार्क्स का जो गैप आता है उसके चक्कर में वंस अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड दैट्स रियली अ टफ जॉब. बट माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं पे हमें अपने आप को समझाना पड़ता है. बड़ा मुश्किल है समझाना, बट जितनी जल्दी समझा लोगे और उतने आगे निकल जाओगे. डेफिनेटली आपको समझाना पड़ेगा कि 550 मीन्स 550 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में यू आर नॉट गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी हालत में. वैसे तो मैं बोलूं कि 580 पे भी नहीं मिलने वाला है, बट हो सकता है बाय चांस 580 पे, क्योंकि चीटिंग अगर कम हुई होगी जैसा कि कह रहे हैं विनीत जोशी जी, या फिर हम सोच रहे हैं कि बस उतने ही लोगों को 2-4-5-10 लोगों को मिला होगा और उनका भी निरस्त कर दिया जाएगा, मीन्स उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा. तो फिर कोई भी, मतलब एक तरह से माने कि किसी को भी नहीं मिला तो सेफर हैंड में. तो 580 मान लेता हूँ वेयर मिनिमम की 580 वाले आप वेट कर सकते हैं. राइट, तो यही बोलना था आपसे. बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ. मैंने कल एक भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं खुद दुख में हूँ कि मुझे पहले लगा था कि जो ये हुआ है इसमें शायद कोई गवर्नमेंट कुछ और दिमाग वाला काम करेगी, बट दिमाग वाला ऐसा कोई काम नहीं किया. डेफिनेटली पेपर कराना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स ए टफ जॉब, और वही उन्होंने सेफ रास्ता खोजा है कि यस ऐसा होना चाहिए. और वास्तव में बच्चा 2 साल से मेहनत करता है, और वो भी कई बच्चे भी देखिए मैसेज डाल रहे थे कि भैया दोबारा नहीं होना चाहिए, आई कांट डू दैट, आई कांट, आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट. तो डेफिनेटली वही हुआ है. तो ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ. मेरा खुद दिल दुखी है, और जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं बच्चा लोग, और डेफिनेटली आपके 300 से ज़्यादा आ रहे हैं. एक और बात बता दूं बहुत क्लियर, कि कम बार बार कह रहा हूँ कि कम आ रहे हैं 550 से,
300 से 550 के बीच में मार्क्स अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव गॉट दैट पोटेंशियल, यू कैन डू इट। तो आप कहीं भी ठीक जगह पर, जहाँ पर आपको लगता है तीनों कॉम्बिनेशन इज बेस्ट और टीचर वो कोचिंग छोड़ के नहीं जाने वाला है, ऐसी कोचिंग में आप एडमिशन ले लो। और आज से ही मन को समझा लो, भाई क्या, अगर मान लो आप 570 पा रहे हो मार्क्स, तो भी आप थोड़ा वेट करके ले लेना एडमिशन। बट उनसे कहिए कि अगर भाई हमको मिल गई सीट तो हमारी फीस रिटर्न कर दी जाएगी, या उतना अमाउंट ले लीजिए कि 2 महीने में जहां तक हमारे से हो जाए उतनी फीस ले लीजिए आप, और उसके बाद हम रेस्ट ऑफ अदर फीस दे देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? क्या बात समझ में आ रही है सभी को कि भाई हमसे उतनी फीस ले लीजिए कि हम वेट कर लेते हैं जब तक काउंसलिंग नहीं होती है, काउंसलिंग होने के बाद अगर हमारा नहीं आया तो आई विल गिव यू द फुल फीस, अदरवाइज हम हमारा भाई पैसा इतना ही हम दे सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द काउंसलिंग इफ यू आर गेटिंग दोज मेनी मार्क्स, राइट? ऑल द बेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे।